और फाइनली हमारी लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस किस स्टेज में हम किस किस तरह की गाइडलाइन देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला इन्फेंसी, मतलब छोटे बच्चे हमारे जिनकी एज जस्ट अभी न्यूली बॉर्न बेबी से लेके एक दो साल तक की सारी इन्फेंट स्टेज रहती है हमारी। ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सम एक्सरसाइज सच एज मूविंग आर्म्स लेग्स एंड रीचिंग फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट शुड बी कैरिड आउट। टॉयज एंड गेम्स शुड बी प्रोवाइडेड टू एनकरेज द मूवमेंट ऑफ एन इन्फेंट, एग्जाम्पल थ्रोइंग, कैचिंग एक्सेट्रा। ये आपने देखा भी है छोटे बच्चों को, ठीक है, चलाने के लिए या फिर छोटे बच्चे जो है क्रॉल करें उसके लिए हम क्या करते हैं, कार या कोई भी टॉय थोड़ा सा उनसे दूर रख देते हैं और वो उस तक हल्के 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 चलते हुए या क्रॉल करते हुए पहुँचते हैं। तो इससे उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। इसलिए टॉय एक मोटिवेशन का काम कर सकता है उनको मूव कराने के लिए, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को, यही उनके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड जो कि 3 से 7 ईयर्स तक की एज में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी एनकरेज विद हेल्प इन कॉम्पिटेंस इन मूवमेंट स्किल, थ्रोइंग, पंपिंग, कैचिंग, किकिंग, ये सारा अपना काम कराओ। ठीक है, जंपिंग करा लो, ये पंपिंग करा लो, जंपिंग कराओ। ठीक है, जंपिंग, कैचिंग, किकिंग, ये सारी एक्टिविटीज उनको करानी चाहिए। इन दिस स्टेज मेन एम्फोसिस ऑन फाइन मोटर डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बॉडी के मेन मेन पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, जबकि फाइन में छोटे छोटे पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आर्म्स का डेवलपमेंट तो ये ग्रोस है, और ये फिंगर्स का डेवलपमेंट ये फाइन। ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। तो ये सारी जो एज रहती है इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है। और अगर आप इस एज में बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले आए बच्चे का, तो उसके बाद बच्चा उस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से फ्यूचर तक पार्टिसिपेट भी कर सकता है और अपनी बहुत सारी यू नो पोजिशनिंग को बेटर कर सकता है और वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड, इसमें 8 to 12 ईयर्स की एज है हमारे पास। ठीक है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन दिस स्टेज इंक्लूड्स स्टंट थ्रोइंग, जंपिंग एंड द एक्वाइजेशन ऑफ बॉडी कंट्रोल, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। टीम गेम शुड बी ऑर्गेनाइज टू डेवलप सोशल कॉन्शियसनेस, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस शुड बी बिल्डअप। ओके, बेसिकली जो हमारी ये वाली एज है 8 to 12 वाली, इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग टीम गेम्स को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, टीम गेम्स को ऑर्गेनाइज करने से इसमें क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। इस एज में बच्चों को कोऑर्डिनेशन सिखाना होता है कि वो एज अ टीम क्या कर सकते हैं, वो जब टीम अप करेंगे तो टीम अप के क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनको सिखाना बहुत जरूरी है। उनको कोऑर्डिनेशन की वैल्यू सिखानी बहुत जरूरी है और उनको स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो भी बिल्डअप करना है वो टीम स्पिरिट के साथ बिल्डअप करना है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। उसके मोस्ट अमेजिंग कंटेंट और फिजिकल के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप 1-to-1 क्लासेस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम एप्पल स्टोर माई इंस्टीट्यूट ऐप एंड यू कैन राइट डाउन आर ORG कोड RVYWA। एज सून एज यू एंटर दिस कोड द ऐप विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इंटू 1-to-1 क्लासेस ऐप। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ एंड गेट द फाइनेस्ट कंटेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th। एडोलसेंस की एज है 13 से 19 ईयर्स तक की, टीनेज क्या है इसमें, सबसे पहले 60 मिनट का फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर चाहिए। ठीक है, मोर एम्फोसिस दिए जाएगा किस पे, मोर एम्फोसिस दिया जाएगा बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर। पार्टिसिपेशन कराइए रनिंग में, जिमनास्टिक में, टेनिस में, ये सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, इस एज में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को सही से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक सही डायरेक्शन में ही यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कहा जाता है कि भैया कम से कम 60 मिनट का फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। आप रनिंग करो, जंपिंग करो, कुछ भी करिए, वॉकिंग करो अपना, जिमनास्टिक करो, जो भी करो, लेकिन 60 मिनट का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी एनर्जी को, क्योंकि बॉडी में बहुत एक्सेसिव एनर्जी है, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर पाएँ, ये ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट हमारा एडल्टहुड है जो 19 से ऊपर की एज है। एडल्ट शुड ऑलवेज बी एक्टिव, फॉर दिस दे शुड डू ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ी बहुत यू नो चलते फिरते अपना, थोड़ा तेज थोड़ा हल्के, थोड़ा तेज थोड़ा हल्के, ब्रिस्क वॉकिंग करिए। ठीक है, बाइक राइडिंग कर सकते हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, कहीं सोच रहे हो अपना बाइक लेके निकल पड़ो, साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रख के चल रहे हैं बाइक राइडिंग। उसके बाद डांसिंग, स्विमिंग, उसके बाद इंटेंसिव मॉडरेट इंसेंटिव मीन्स इंटेंसिटी का मतलब थोड़ा थोड़ा करके करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज करिए, पुशअप्स करिए, सिटअप्स करिए मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए मसल एक्सरसाइजेस वगैरह जो जो भी हैं आपकी, आइसोटोनिक आइसोकाइनेटिक आप कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी टोंड अप रहे और मेंटेन रहे बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 7 मार्क्स का चैप्टर, आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आने के चांसेस हैं वो है फीमेल एथलीट ट्रेट्स,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके चलेंगे। इसके अलावा जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 की 7 उनमें से कोई सा आ सकता है। जनरली पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊँ तो काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस, इन 3 में से एक आती है, ठीक है। लेकिन आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पिछले साल मैच द फॉलोइंग के अंदर भी पिक्चर दिखा के आपको कहा गया बताओ कौन से वाली आपको पहचाननी पड़ती है। तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको कॉजेस बता ही दिए कॉमन, ताकि आप इजिली याद कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।